hello and welcome to grad school this is kiran and in this video lecture we will talk about the dehiscence of anther how the pollen grains are released and which layer is involved in releasing the anthers if you have not watched my previous videos you can click on the eyeball given on your screen to get the links of my previous videos and do subscribe grad school so let's start with this topic that is the dehiscence of anther so in previous lecture series i have already explained the four type of layers that are present in microsporangium. right? the very first layer was the epidermis. its function was a protective one. inner to the epidermis was endothecium. it contained a callose thickening. so that's why it is also called fibrous layer. inner to the endothecium was the middle layer. it is two to three cells. Thick and inner to the middle layer is tapetum. Its function is to provide nutrition to the growing microspores. And inside this tapetum, sporogenous tissues were present, which later on get differentiated to form microspore mother cells, which further divide to form the microspore tetrads. So now the four layers are mature. Now, what will happen? when the pollen grains are formed inside the anther lobe the next function will be the dehiscence of anther so that the pollen grains which are formed inside the lobes are released in the air for the pollination so what will happen endothecium tissue is responsible for the tensions that lead to splitting of the anther जो डिहीसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आपका आंसर होगा एंडोथीशियम क्योंकि एंडोथीशियम जो है ये वाटर लूज करेगी जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होती है और उस टेंशन की वजह से एक कैविटी बनेगी विल टॉक अबाउट इट लिटर लेटर उस कैविटी के थ्रू जो है पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे ठीक है तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डहीसेंस है वो रहती है आपकी लॉन्गीट्यूडनल डहीसेंस ठीक है ये आप ये हैं दिज आर द टाइप ऑफ डहीसेंस सो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डहीसेंस है दैट इज लॉन्गीट्यूडनल डहीसेंस जो इस लीनियर प्लेन से होती है और तीन टाइप हैं इसके ट्रांसवर्स डहीसेंस हो सकती है दैट इज जो है हॉरिजोंटल प्लेन में होगी देन एपिकल डहीसेंस होती है जो कि बिल्कुल एप्पेक्स से जो है स्प्लिटिंग होती है और पॉलनग्रेंस रिलीज होते हैं फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ डहीसेंस इज़ वॉल्युलर डेहीसेंस इसमें वॉल्स बनते हैं उनकी ओपनिंग होती है लेटर ऑन और वहाँ से जो है सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं बट द मोस्ट कॉमन वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्लिट लाइक डहीसेंस सो सबसे पहले होगा क्या ये जो पॉल एंथर में मैंने आपको बताया था कि दो एंथर लोब के बीच में एक स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव ये कनेक्टिव डिजोल्व हो जाएगा मेच्योर एंथर में एज अ रिजल्ट होगा क्या अब जो है जो ईच लोब विल कंटेन ओनली टू थीका जब वो स्टेराइल लेयर कनेक्टिव लेयर जो है वो डिजोल्व हो जाएगी अब जो एंथर है ये डाई थीकस बन जाएगा दैट मीन्स कि इसके डिजोल्व होने के बाद यहाँ पे जो ये टिश्यू है इसके डिजोल्व होने के बाद होगा क्या सिर्फ दो लोब्स बचेंगी अब इन दो लोब्स में आपके दो दो थीका बचेंगे ठीक है तो एंथर क्या बन गया डाई थीकस बन गया नाउ अब क्या होगा कि जो हमारी एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्टिव थी फंक्शन में एपिडर्मिस के जो सेल्स के बिटवीन स्टोमियम प्रेजेंट होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल फरो भी बोलते हैं दिस स्टोमियम इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू पॉलन सैक्स ठीक है अब ये देखिए एक तो पॉलन सैक हो गया ये वाला एक पॉलन सैक होता है आपका ये वाला इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा स्टोमियम ये ज़्यादा क्लियर है दिस पॉलन सैक और ये ये वाला पॉलन सैक हो गया इन दोनों में आपका प्रेजेंट होता है स्टोमियम इसको लॉन्गिट्यूडनल फरो भी बोलते हैं सो आउटर लेयर एपिडरमीज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन इनर टू द एपिडरमीज इज एंडोथीशियम जिसमें केलॉस की थिकनिंग प्रेजेंट होती है ये क्या करेगी इट विल लूज वाटर और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ये अपनी आउटर लेयर्स के साथ जो है कनेक्शन जो है वो तोड़ देगी एज अ रिजल्ट होगा क्या एक कॉन्केव कैविटी बनेगी ऐसे ये कॉन्केव कैविटी बन रही है बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे कॉन्केव कैविटी बनेगी तो जब ये लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेंशन प्रोड्यूस होगी उस टेंशन की वजह से स्टोमियम की जगह पे स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी दिस प्लेस इज द स्टोमियम यहाँ से स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी ड्यू टू विच जो पॉलन ग्रेन हैं वो रिलीज हो जाएंगे ठीक so, है सो After the pollen grains are released, they will be carried to the female part through the help of agencies like water, air, insects, and we'll talk about it in our next video. So that's all about the dehiscence of anther. Hope so, you have understood. Like, share, and subscribe to Grad School. Thanks for watching my video.